नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गोरखपुर जिले के HN 28 पर साइकिल सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटकर खाई में गिरी स्कूली बस। आपको बताते चले कि देवरिया जिले के ग्रीन डिफेंस सोनिया एकेडमी स्कूल की बस अपने स्कूल से 55 स्कूली बच्चों को लेकर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर तारामंडल नौका विहार के अंतर्गत पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे कि बस जैसे ही खोराबाग थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भैसहा स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा कि अचानक साइकिल सवार व्यक्ति बस के सामने आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें साइकिल सवार व्यक्ति की बस के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। वहीं बस में बैठे स्कूली बच्चे घायल हो गए। स्कूली बस पलटने की सूचना जैसे ही खोराबार पुलिस को, तत्काल खोराबार पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बस ड्राइवर व घायल 11 बच्चों का इलाज के लिए CIC खोराबार भेज दिया गया है। घायल बच्चों एवं बस ड्राइवर की स्थिति सामान्य है। वहीं बस के नीचे दबकर मृत हुए तिलकधारी पुत्र महिपत, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी बस डीला थाना खोराबार के, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वहीं घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कैंट द्वारा किया गया। गोरखपुर से विनोद पासवान की रिपोर्ट। जानकारी मिलती है ये 112 पे सूचना मिली थी कि एक स्कूली बस है जो कि गोरखपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे, तो वो पलट गई है। जहाँ मैं यहाँ मौके पर पहुँचा तो मौके पर देखने में पता चला कि एक साइकिल सवार था, उसको बचाने के चक्कर में जो स्कूल बस थी वो नीचे खाई में गिर गई थी, जिसमें लगभग 55 बच्चे सवार थे। बच्चे सभी सुरक्षित हैं, साइकिल सवार और जो बस का ड्राइवर था वो ज़्यादा घायल है। बच्चे भी घायल हुए? हाँ, 3-4 बच्चे हैं जिन्हें चोट लगी थी, जिन्हें कि हॉस्टल भेज दिया गया है। बाकी बच्चे, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जो हॉस्टल गए हैं वो भी, उनके हल्की चोट लगी हुई, वो भी सेफ है। लगी है कहीं चोट? चोट लगी है ना भाई, एम्बुलेंस आया है। एम्बुलेंस नहीं, अंदरूनी है, वैसे कोई ज्यादा नहीं है। और किसी को कोई चोट? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।